अस्सलामुअलैकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत स्पेशल थाली। ये राजगीरा की पूरी और आलू की सब्जी है। तो पहले हम क्या करेंगे, आलू की सब्जी बनाएंगे, बाद में फिर राजगीरा की पूरी बना लेंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने लिया है 3 आलू लिए हैं, मैंने इसे उबाल लिया है और ये कट किए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है साबुत जीरा है, ये 1/2 टीस्पून लिया है। एक करी पत्ता लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है एक हरी मिर्च थी, इसे मैंने चॉप किया है। ये सेंधा नमक लिया है, ये मैंने सेंधा नमक स्वाद अनुसार लिया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून पीसी हुई मूंगफली ली है और ये मैंने लिया है 1/4 कप पानी लिया है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। इसमें से आप अदरक भी ले सकते हो कद्दूकस करके, अगर कोई लहसुन खाता होगा तो वो लहसुन भी ले सकते हो। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, गैस ऑन किया है। मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर ये जीरा डाल देंगे। नवरात्रि है, आप नवरात्रि के व्रत में भी ये खा सकते हो। आपके व्रत रहते हैं जो भी, जब भी रहते हैं तब भी आप इसे बना के खा सकते हो। ये करी पत्ता लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। आप पीस कर भी डाल सकते हो या ऐसे भी डाल सकते हो। इसे हम पूरा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ये उबले हुए आलू डाल देंगे। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, इसको हम अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। ये पीसी हुई मूंगफली है, इसके पूरा पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है इसे। कुछ आलू आप ऐसे भी रख सकते हो, कुछ आप इसके अंदर मैश भी कर सकते हो। अब हम इसके अंदर ये पानी डाल देंगे। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए वैसे आप इसकी ग्रेवी कर सकते हो। अब हम 2 मिनट इसे ऐसे ही पका लेंगे। और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, हरा धनिया, ये तो बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। 2 मिनट हम इसे रख लेंगे और इस गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर राजगीरे का पूरी हम उसका देख लेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया। जैसा आपको अगर ग्रेवी पतला वाला चाहिए तो आप पतला वाला भी रख सकते हो और गाढ़ा चाहिए तो गाढ़ा भी। मेरा ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। मैं अब गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, आलू की सब्जी को मैंने निकाल लिया है, इसको अब हम साइड में रख लेते हैं। या अब हम बना लेते हैं राजगीरा पूरी। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप राजगीरा का आटा लिया है। यहाँ पे मैंने एक आलू उसे उबाल लिया था, वो मैश करके लिया है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हो तो ये आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा गुनगुना पानी करके डालना। और यहाँ पे मैंने लिया है ये सेंधा नमक लिया है और ये मैंने सादा पानी लिया है, ये मेरा गर्म पानी नहीं है क्योंकि मैंने आलू लिया है। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप गुनगुना पानी कर लेना। अब मैं क्या करती हूँ, इसका डो बना लेती हूँ। जैसा हम गेहूँ की रोटी के लिए करते हैं ना, सेम वैसा ही हमें डो बना लेना है। ये देखिए, मैंने आटा गूंथ लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे रखना नहीं है, तुरंत इसके पूरियां बनानी है और तलनी है। और पूरियां बनाकर भी इसके रखनी नहीं है, जैसे जैसे एक एक बनाएंगे वैसे ही हमें तलने हैं। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे हम गेहूं के आटे के बनाते हैं सेम वैसे ही हमें करना है। ये मैंने लिए, इसको मैंने तेल लगा कर इसे पूरा गूंथ लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला था। अब मैं एक लोई ले लेती हूँ, इसको सूखे आटे में डाल देती हूँ और इसके पूरी बना लेती हूँ। जितने साइज़ के आपको चाहिए उतने साइज़ के आप कर लेना। ये देखिए, मैंने इसे बना लिया है। अब मेरा तेल गर्म हुआ है, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ।
गैस की फ्लेम को हमें पहले हाई पे ही रखना है। ये देखिए ये हमारी हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब हमारा एक हो गई, अब हम पूरे बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पूरे पूरियां हो गए। ये हमारी आलू की सब्जी, अब हमने ये प्लेट ले ली है। यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, ये ग्रीन चटनी है, व्रत वाली चटनी है ये मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अब मैं क्या करती हूँ आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। यहाँ पे हम पूरी ले लेंगे, ये आलू की सब्जी ले लेंगे। अगर आप अचार खाते होंगे तो आप अचार भी ले सकते हो इसके साथ ही। मैं अब आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये, और ये राजगिरा हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है। ये देखिए मैं आप टेस्ट करती हूँ, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। और एक मैं आपके लिए टेस्ट करती हूँ, मैं इसके अंदर से करती हूँ ग्रीन चटनी। ये देखिए बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आप भी जरूर इसे बनाना, नवरात्रि में बना सकते हो आप, आपके व्रत रहते हैं आप, ऐसे भी जब आपके व्रत रहते तब आप इसे बना सकते हो। तो आप भी इसे जरूर बनाना और टेस्ट करना, और मुझे कमेंट करके बताना ये कैसे टेस्ट में कैसी लगती है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।